हाय एवरीवन, मैं हूँ रबीला और आज मैं आपके लिए फिर से लाई एक मस्ती से भरा वीडियो। लास्ट टाइम मैं आपके लिए लाई थी एक वीडियो जो था कोरोना वायरस सेफ्टी प्रिकॉशंस, और इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ कोरोना वायरल। तो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत सारे चुटकुले वायरल हो रहे हैं, जैसे कोई मैरीगोल्ड में कितने होल होते हैं वो गिन रहा है, कोई दाल चावल एक साथ करके उसको अलग कर रहा है, यहाँ तक कि कोई चीनी और चाय पत्ती को मिक्स करके उसको भी अलग कर रहा है। और इन दिनों सबसे बुरा हाल पतियों का हो रखा है। आते ही जाते उनकी पत्नी बोलती रहती है कि ना जाने ये बीमारी कब जाएगी। अब पता नहीं वो पति को बोल रही है या फिर कोरोना वायरस को। सरकार और मोदी जी हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि घर पे बैठो घर पे बैठो, पर ये कौम ऐसी है कि अगर इनको जन्नत में भी डाल दिया जाए तब भी वो जहन्नम में आके देखेंगे कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। लाइफ में आप कितने भी पॉजिटिव हो पर इन दिनों आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। हल्दीराम ने जो नवरत्न मिक्सर बनाया है, आजकल तो मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई है, लोग भर भर के उसको ले जा रहे हैं और उसको सेपरेट कर रहे हैं और उनको गिन रहे हैं। इटली वर्ल्ड के सेकेंड बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम के कंट्रीज में आता है, फिर भी वहाँ पे नियरली 800 डेथ्स होती है डेली। अब सोचिए अगर हमारी कंट्री में भी ये वायरस फैल गया तो क्या होगा। कृपया घर पे रहें। अगर सरकार ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक्स पे भी पाबंदी लगा दे तो सोचिए हमें कितने ज़्यादा डरावने वायरस देखने को मिलेंगे। किसी ने एक शेर लिखा है जो ये कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत फिट बैठ रहा है। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। कोरोना से लड़ने के लिए घर पर रहें और घर के कामों में पत्नियों का हाथ बटाएं। कोरोना से लड़िए, पत्नियों से नहीं। कर देंगे भाई, झाड़ू लगा देंगे पूरे घर में, हम में पोछा कर देंगे पूरे घर में, जितना बर्तन मासन है मल देंगे भाई। सेटमैक्स वालों, अगर इन 21 दिनों में तुमने सूर्यवंशम दिखाया तो ये जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। आजकल के पति तो बहुत परेशान हैं, बार बार अपने बॉस को मैसेज किए जा रहे हैं कि उनकी पत्नियों को समझाए कि वर्क फ्रॉम होम मतलब घर के काम करना नहीं, घर से ही काम करना होता है। ये कोरोना वायरस के टाइम पर भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शॉपिंग बंद, आउटिंग बंद, बाहर का खाना बंद, फिल्म जाना बंद, और सबसे बड़ी बात, मुंह पर पट्टी तो पूरे दिन की बकबक बंद। मुझे यह मनोज जी का कार्टून सबसे ज़्यादा पसंद आया कि जिस तरह से हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, 21 दिन बाद जब मोदी जी फिर से टीवी पे आएंगे तो वो बोलेंगे मेरे हाथियों, मेरे साथियों की जगह मेरे हाथियों। फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में सुना होगा। उस वक्त सारी कंट्रीज एक दूसरे की कंट्रीज में जा के लड़ती थी, पब्लिक के बीच में लड़ती थी, पर ये कोरोना वायरस ऐसी जंग है कि हम लोग घर बैठे बैठे लड़ सकते हैं। बाहर जाए तो मौत, अंदर बैठे तो ज़िंदगी। मैं उन दिनों को बहुत मिस कर रही हूँ जब भी छींकती थी तब मैं बोलती थी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा बोलता था ये रहमुकल्ला। बट आजकल तो अगर छींका तो गेट आउट। घबराओ मत, ये कोरोना वायरस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा क्योंकि ये मेड इन चाइना है। घर में बैठे बैठे अगर आपकी बदन दुख रही हो ना तो बाहर जाइए, क्योंकि पुलिस वाले आपकी सेवा में तैयार हैं। नो 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 नो। बाहर पुलिस के डंडे, घर में बीवी की जुबान, चाइना वालों तुम्हें माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान। अगर किसी को बैठने में तकलीफ हो रही हो तो भाई समझ लो कर्फ्यू देखने गया था ये। नवरात्रि चल रही है पर डांडिया सिर्फ पुलिस वाले खेल रहे हैं, अगर आपको भी खेलना है तो चौराहे तक तो जाना पड़ेगा। मोदी जी हाथ जोड़ कर समझा रहे हैं घर पे बैठो समझ जाओ, क्योंकि अगर अमित शाह समझाने लगे तो बुरा मान जाओगे। घर से बाहर मत निकलना दोस्तों, क्योंकि बाहर पुलिस वाले पबजी खेल रहे हैं। नो 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 नो। मोदी जी ने कहा है कि अगर हम 21 दिन घर में नहीं रहे
तो हम 21 साल पीछे चल जाएंगे। और ये सोचते सोचते कुछ महिलाएं बहुत खुश हो गई कि उनकी उम्र 21 साल छोटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हंसी मजाक की बात, पर इस कोरोना वायरस को सीरियसली और घर पे रहें। और मैंने आपके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बनाए हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।